मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम सभी को। और आज है बहुत स्पेशल डे, सभी को पता ही कि आज क्या है। आज है 26 जैन, नीड नो इंट्रोडक्शन टू दिस डे, बट फिर भी मैं अपने फॉरेनर फैंस को बता देना चाहता हूँ, टुडे इज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी, मुझे भी नहीं पता है, मैं भी खोज ही रहा हूँ, पता लग गया तो आपको बता दूँ। क्योंकि हमारे जो अभी मैं मतलब अभी इन दिनों मैंने नोटिस किया कि या फिर पता नहीं पहले से भी होगा कुछ भी, आई डोंट नो, लेकिन अभी क्या होता है ना कि हमारे जो मेमोरीज होती है ना वो हमारे सेंस ऑर्गन्स पे डिपेंड करती है, लाइक टेस्ट और लाइक जो हमने चीज़ें देखी है वो हमें याद रहती है, जो हमने खाना खाया उसका टेस्ट याद रहता है, और साथ ही साथ हमें स्मेल्स याद रहते हैं। तो जब मैं ये वाले परफ्यूम यूज़ करता हूँ तो मुझे याद रहता है जब मैं क्लास 11th में था, मतलब ठीक है, जज मत करना, मतलब मुझे पसंद है इसलिए लगाता हूँ, और कुछ नहीं बात। तो मुझे क्लास 11th की याद आती है जब आकाश इंस्टीट्यूट में जाया करता था, और ये वाले जो फॉग है ना ये जब लगाता हूँ ब्लू वाले, तो ऐसा याद आता है कि जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय में जब मैं था 11th में ही, तो ये मनीष डैमरॉट यही वाले लगा के आया करता था। एक खास बात है पता है क्या, कि हम सारी चीज़ों को खाने से लिंक कर देते हैं, मतलब कुछ भी मिठाई वगैरह कुछ भी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आज राष्ट्रीय छुट्टी पे राष्ट्रीय मिठाई हम ना खाएं? तो चलिए फटाफट से ले क्या क्या गर्मा गर्म जलेबिया आप भी खाओ। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वॉन्ट टू एड समथिंग कि मेरा जो ये स्पेसिफिक ये वाला जो साल था 26th of Jan का, वो ऐसा गया जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन एरा कह लो, या तो ऐसा गया, बाकी जनरली कभी ऐसा जाता नहीं, मतलब मैं सामने से फ्लैग होस्टिंग देखता हूँ। एक बार का इवेंट है जब मैं क्लास 10th में था, आई गेस, हाँ 26th जैन में, 9th में, हाँ। तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, फंक्शन वगैरह होता था पूरे स्टेज पे बाल विकास विद्यालय में, और पूरा फंक्शन होता था स्टेज पे। तो वहाँ पे क्या होता कि हमारे क्लास में एक पंकज नाम का लड़का था, ही वॉज पॉपुलर विद दिस नेम पंकज बाहुबली, एंड उसने मतलब उसको चढ़ाया गया ऊपर कि स्पीच देनी है, तुम स्पीच सुनो उसकी, भारत को आज़ादी दिलाने में जितने भी महान पुरुषों का हाथ है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, भारत ने इस दिन आज़ादी पाके, मैं बोल क्या बोला, खैर मैं ये बता रहा था क्योंकि ये बहुत एक ऐसी बात नहीं कि उसको पता नहीं होगा, ऐसी बात है कि ये स्लिप ऑफ हो जाता है दिमाग से, ये कई बार होता है कि ये पब्लिक डे को इंडिपेंडेंस डे बोल देते हैं। आपने भी शायद आज किसी को हैप्पी रिपब्लिक डे लिखने की जगह पे इंडिपेंडेंस लिख के फिर डिलीट किया होगा, फिर रिपब्लिक लिखा होगा, होता है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर विद अ नोट ऑफ हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। एंड हाँ, कोशिश करना एक चीज़, अभी मेरे बड़े भैया ने एक स्टेटस लगाया था और वो बात मेरे जहन में भी हमेशा रहती है कि कोशिश करना कि फ्लैग जो है ना उसको खरीदना तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खरीदना, क्योंकि खरीदना आप पैसे देके 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये देके जो फ्लैग खरीदते हो इंडियन फ्लैग नेशनल फ्लैग, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस 100 रुपये से बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपको उसको अच्छे से रखना है, दैट मीन्स इफ इट्स अ स्टीकर तो आप कहीं अच्छे ऊंचाई पे उसको चिपका दें ऐसे, ठीक है, कहीं अगर फ्लैग है तो उसको घर पे कहीं पे टॉप पे लगा दें ऐसे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोगों को देखता हूँ मैं कि सड़कों पे, तो वो बहुत बुरी चीज़ है, मतलब बहुत बुरी चीज़। तिरंगे के लिए कितने शहीद हो चुके हैं और कितने हो रहे हैं और न जाने कितने होंगे सिर्फ उस तिरंगे की रक्षा के लिए, और आप उसको रोड पे ऐसी, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें ना हो, और लेने से पहले ही 4 बार सोच ले कि मैं इसको फिर कहाँ रखूँगा, है ना, और साथ ही साथ मैं क्या ज्ञान दूँगा, आप सब जानते हैं ज्ञान को बात नहीं। चलो ठीक है, बाय बाय एंड हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन, बाय बाय। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग आया।